हो रहा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी लगा रहा है जो दिस इन्वेस्टमेंट ये और आज का प्रोग्राम को थोड़ा दोहराने के लिए हम प्राइवेट जो है ऐसे इस हम लोग का जो डिमांड है प्राइवेट ना हो तो हमारा जो जितना जो प्राइवेट सेक्टर है उसको प्राइवेट बनाने का कोशिश है उसको सेंटर वापस ले तो हम लोग का डिमांड ये है। तो आज हम लोग अरुणाचल की ओर से हम लोग इसको भारतीय मजदूर संघ के केंद्र जो सेंटर का जो हमारा अध्यक्ष और महामंत्री की आदेश के हिसाब से हम लोग यहाँ में प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग यहाँ में उसको विरोध कर रहा है प्राइवेट को तो आज अरुणाचल प्रदेश की ओर से रिप्रेजेंटेटिव हम लोग कर रहा है। तो आज का ज़्यादा हम लोग का नहीं है, हम लोग स्लोगन लगा के हम लोग खत्म करता है। धन्यवाद। भारत माता की भारत माता की मिनिमम इनपुट डाल के मैक्सिमम आउटपुट लेने का कोशिश करेंगे, यानी कि कम खर्चा करके और कम ये कर्मचारी लगा के ज़्यादा आउटपुट लेने का और ज़्यादा लाभ लेने का कोशिश करेंगे जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो देश में हमारा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत रहेगा, क्रिएट होगा और जो यूथ के लिए भी एम्प्लॉयमेंट का कोई जगह नहीं मिलेगा और जिसको जो एंगेज है उसको भी प्राइवेटाइजेशन होने से मालिक जो है उसको अदा को नकरी से हटा देगा। तो देश में चोरी डकैती बढ़ेगा, मर्डर बढ़ेगा और कामगारों को काम नहीं मिलेगा। तो इसलिए भारतीय मजदूर संघ का कहना है देश भर में आज कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना है, जिस इन्वेस्टमेंट नहीं होना है, पॉलिसी बंद करना है और एसेट को डिमोनेटाइजेशन नहीं करना है। जैसे पहले चलता था उसको ध्यान से चलाना है और स्ट्रोंग से चलाना है, इन्वेस्ट अच्छा करके और उसको आगे बढ़ाना है और देश को बचाना है तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो हमारा स्लोगन है टू सेव द प्राइवेटाइजेशन या सेव द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू सेव द नेशन। अगर इसको पूरा प्राइवेटाइजेशन करेगा तो नेशन तकलीफ होगा, ये हमारा सोच है। तो इसलिए मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि देश भर में ये भारतीय मजदूर संघ आज आंदोलन कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है और आगे अगर हमारा विमान को भारत सरकार नहीं मानेगा तो हम और भी आगे लड़ने का कोई एंड नहीं है हमारा पूरा। आज हमारा भारतीय मजदूर संघ देश भर में प्रदर्शन कर रहा है या डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है। ये किस लिए कर रहा है बोलने से हम 2015 से प्राइवेटाइजेशन जो पॉलिसी है हमारा भारत सरकार का उसको हम कंडम करता है या अपोज करता है, जिससे जो प्राइवेटाइजेशन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्राइवेटाइजेशन करने का पॉलिसी है, डिस इन्वेस्टमेंट करने का पॉलिसी है, जो एसेट मोनेटाइजेशन करने का जो पॉलिसी है भारत सरकार का उसको हम अपोज करता है। इसलिए अपोज करता है जब प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो जैसे हमारा रेलवे, पोस्टल, बैंकिंग, डिफेंस और पावर सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन करने का पॉलिसी है तो उसको हम अपोज इसलिए कर रहा है जब प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, प्राइवेट कोई
पर्टिकुलर ग्रुप या देखिए इंडिविजुअल चलाएगा तो हमारा बहुत सा वर्कर्स को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, अपना काम से हाथ धोना पड़ेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रेड होगा। ऐसे भी तो अनएम्प्लॉयमेंट देश में अभी 31 मिलियन अनएम्प्लॉयड है, ये जॉबलेस आदमी है, और भी बढ़ेगा। और जितना पढ़ा लिखा जो यूथ लोग है उसको तकलीफ होगा, जगह नहीं मिलेगा। ऑलरेडी जो एंगेज है उसको भी हटना पड़ेगा, हाथ धो नौकरी से धोना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा भारतीय मजदूर संघ ऐसे मजदूर का ये संगठन हम अपोज करता है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग को पहले जैसे था ऐसे ही रहना है और उनको गवर्नमेंट जी जान लगा के और भी आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए, ये हमारा मांग। ये प्रोटेस्ट कहाँ कहाँ पे हो रहा है? ये ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, सारा भारत में हो रहा है। आपके बीएमएस के अंदर ही हो रहा है ना? ये बीएमएस लीक कर रहा है, भारतीय मजदूर संघ लीक कर रहा है।